अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायना चौधरी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो पर्पस है इस वीडियो का, वो मेन पर्पस ये है कि मुझे आप लोगों को से एक सजेशन चाहिए। एक्चुअली जो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी के मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, उसमें मैं आप लोगों को जो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी है उसको, उसमें जो भी लिखा हुआ रिटर्न फॉर्म है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाती हूँ और आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कहाँ से जो है आ रही है, और कौन सी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कौन सी चीज जो है वो आपको एज ए डॉक्टर आनी चाहिए। ठीक है, सो वो सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ स्नेल क्लिनिक एंड एनाटॉमी से। आई नो वो काफी सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल रह रहा है, काफी सारे बच्चों के जो इस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं, सो वो सारी चीजें उन लोगों के लिए हेल्पफुल है, आई नो दैट। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में भी पढ़ाना स्टार्ट करूं, मींस के वो सारा मटेरियल मैं पढ़ाऊंगी स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी से ही, लेकिन वो सारी चीजें आपको रिटन फॉर्म में, डायग्रामेटिकल फॉर्म में, और उनके साथ कुछ अलग एग्जाम्पल्स को हम लोग एड करके आप लोगों को पढ़ाएं, मैं आप लोगों को आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर हो। फॉर एग्जांपल जैसे जो लेक्चर नंबर हमारा प्रीवियस लेक्चर स्नेल का, स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का जो प्रीवियस लेक्चर था, जो स्केलेटल मसल से रिलेटेड था, वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, सो अब उसमें मैंने आप लोगों से ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, लाइक हम लोगों ने मसल्स के बारे में, उसकी ओरिजिन इंसर्शन के बारे में डिस्कस किया आप लोगों से। ठीक है, उसके अलावा मैंने आप लोगों से मसल्स की फाइबर्स के बारे में डिस्कशन की है। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस किया। सो मैं चाहती हूं कि अब मैं उन चीजों को आप लोगों के साथ इस तरीके से करूं, इन नोट्स की फॉर्म में आप लोगों से जो है वो डिस्कस करूं, मींस कि ये सारा मटेरियल, सारे पॉइंट्स स्नेल क्लिनिकल के ही हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप जाके ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे तो ये आपको सारे पॉइंट्स स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में ही मिलेंगे, लेकिन इसमें मैंने कुछ अलग चीजें शो की हैं, कुछ अलग इन नोट्स में मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट यूज हो रहा है स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में, ये सारे पॉइंट तो एग्जैक्ट वही हैं, ये भी पॉइंट स्नेल क्लिनिकल का ही है। जाए अंडर वेरिंग सर्कमस्टेंसेज द मोबिलिटी ऑफ द अटैचमेंट्स मे बी रिवर्स, देयरफॉर द टर्म ओरिजिन इंसर्शन आर इंटरचेंजेबल। अब ये वाला जो पॉइंट है वो कुछ हटके है, मीन्स के ये पॉइंट कुछ स्टूडेंट्स को वैसे तो रफली आप लोगों के लिए आप लोगों को बहुत इजी लगा कि भाई इसका मतलब तो सिंपली ये है कि अटैचमेंट की मोबिलिटी, मसल जिस तरीके से अटैच है उनकी मोबिलिटी पे जो है वो ओरिजिन एंड इंसर्शन इंटरचेंजेबल होती रहती है, लेकिन किस तरीके से वो सारी फिर किस तरीके से होती है वो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरीके से इंसर्शन एंड ओरिजिन जो है वो चेंज होती है। ठीक है, किस तरीके से इंसर्शन एंड ओरिजिन के पॉइंट जो है आपस में इंटरचेंजेबल है। देन उसके बाद जो हम लोगों स्नेल में कुछ टर्म्स यूज किए गए, टेंडन्स, प्रोनोसिस, रेफी, सो उनके बारे में अलग अलग एग्जांपल देके मैं आप लोगों को जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर उसके साथ साथ जो है फिर आगे चलते हम लोग, फिर मैंने जो आप लोगों से मसल्स अटैच किए थे, लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स का था, सो उसमें लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक पॉइंट आ गया लाइन ऑफ पुल आ गई, तो उसको भी हम लोगों ने आप लोगों को समझाने के लिए वो भी फिर मैं डायग्राम के फॉर्म में आपसे डिस्कस करूं। देन सो इस तरीके से मींस कि मैं चाहती हूं कि स्नेल की उस चीज को हम लोग बुक से भी जरूर पढ़ें हम लोग, लेकिन इस लेक्चर फॉर्म में भी आप लोगों के लिए अपलोड करूं। सो अगर आप लोगों को वैसे सही लग रहा है कि जिस तरीके से मैं सिर्फ बुक को रीड करती हूं और उसको आप लोगों को समझाती हूं कि बुक में राइटर ने क्या कहा है, अगर वो पैटर्न सही है तो ठीक है, मैं उसी वे में आपके वीडियोज अपलोड करती हूं, या फिर मैं इस तरीके से लेक्चर्स की फॉर्म में भी आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूं, मींस के वो सारा मटेरियल स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी का ही होगा, लेकिन इसी तरीके से जो है उसमें कुछ एग्जांपल्स और कुछ हमारे पास जो है डायग्राम्स हों, ताकि आप लोगों के लिए समझना और इजी हो जाए। सो अगर आप इस तरीके से नोट्स की फॉर्म में चाहते हैं कि फर्दर लेक्चर जो भी हैं स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी के वो इस तरीके से लेक्चर्स की नोट्स की फॉर्म में हों, सो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। आप कभी भी, चाहे आप ये वीडियो एक मंथ बाद देखते हैं, दो मंथ बाद देखते हैं, या कभी भी देखते हैं, अभी अपलोड होते ही आप लोग देखते हैं, तो प्लीज मुझे जो है वो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उस वे में आप लोगों के लिए वीडियोस जो है अपलोड करना स्टार्ट करूं। आई होप जो भी आप लोगों का डिसीजन होगा मैं उसके रिस्पेक्ट करूंगी और उसी के थ्रू वीडियोस जो है वो अपलोड करना स्टार्ट करूंगी, लेकिन ये वे मुझे ज्यादा बेटर लगता है नोट्स की फॉर्म में। इसमें क्या होता है कि आपको एज अ नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस भी आप लोगों के प्रिपेयर होते जाएंगे, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, और बुक में जो राइटर ने लिखा वो भी आपका कवर होता जाएगा। सो गाइज, आप लोग जैसे ये वीडियो देखें प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को किस तरीके से वीडियोज चाहिए। सो टू द हाफ इज गाइज।